देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को पोंगल, प्रकाश पर्व, लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, जी हाँ, पंजाब में जीरा शहर के गांव नूरपुर में और पूरे पंजाब में लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन सभी लोगों ने मिलकर खुशियां बांटी और दान पुण्य भी किया। इससे सामाजिक भाईचारा और सद्भावना बनी रहती है। पंजाब से हमारे संवाददाता दलजीत सिंह की रिपोर्ट। रोड़ी और तिल से बना लोहड़ी और माघी का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमें ये त्यौहार खुशियाँ और बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, रल मिल के मनाना चाहिए, हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। फास्ट इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, हैप्पी लोहड़ी। सपा बसपा के गठबंधन पर राजभर की चुटकी, दागे हुए कारतूस है दोनों। जी हां, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मायावती व अखिलेश के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा बसपा के गठबंधन को उन्होंने दागा हुआ कारतूस कहकर चुटकी ली। राजभर ने कहा कि 2017 में इन दोनों पार्टियों का क्या हश हुआ सभी ने देख लिया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को ड्रामा करा दिया है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता शुभन सलमानी से बात करते ओपी राजभर। विरोध शब्द एक बहुत बड़ी चीज है। हमने बीजेपी के विरोध कब बोला है यही खाली हमको समझा दीजिए। सच कहना बगावत है तो समझो हम अभी। SC ST पे जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि मुकदमा पंजीकृत हो, जांच के बाद जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसको क्यों फंसाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही आदेश दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, पहले मुकदमा लिखो, गिरफ्तार करो, उसके बाद होगा। बसपा की भी गवर्नमेंट यूपी में थी, CO के जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत होगा, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी तेजी लगी थी, जाके पैर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई। जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, उसका पति या भाई बाहर सर्विस करता हो, रोजगार करता हो, घर में पत्नी रोटी बना रही हो, घर का काम कर रही हो, और उस परिवार से झगड़ा अगर किसी बच्चे से एक दो आदमी से हो गया बाहर, तो पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है। क्या अन्याय नहीं है ये बोलना अगर बगावत है, विरोध है, तो हम तो ये बोलेंगे। ट्रॉली का कुंडा निकलने से एक व्यक्ति हुआ जख्मी। जी हाँ, फरुखाबाद में सहदेव सिंह भदौरिया, आयु लगभग 70 वर्ष, देवीपुर निवासी, जब गंगा स्नान के लिए पांचाल घाट की ओर आ रहे थे तभी अचानक ट्रॉली का कुंडा निकल गया, जिससे वे अचानक नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल उनकी चिकित्सा लोहिया अस्पताल में चल रही है। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा से बात करता है जख्मी सहदेव सिंह। क्या नाम है बाबा आपका? सहदेव जी। उम्र आपकी लगभग कितनी होगी? 70 के 69 की लपेट में है। पिताजी का नाम? सिद्धू सिंह। कौन सा गांव होता है? देवीपुर। थाना कौन सा है? अल्लागा। अल्लागा। आपके साथ ये दुर्घटना कैसे हुई? ये हमें पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो गया अकस्मात। हमें उठाया गया तब हमारे ये दर्द हुआ कमर में और ये सब, तब हमारी आंखें खुली, हमें कुछ पता नहीं, इसके में कोई जानकारी नहीं, राली कोई गैर नहीं थी, अपनी थी। आप निवास स्थान से कहाँ जा रहे थे? घटिया घाट आ रहे थे मेला में। ये घटना लगभग किस स्थल पर हुई होगी, कौन से जगह पर हुई होगी? ये मिलावना के पास में, मिलापुर के पास में है, वहाँ पर। सत श्री अकाल जी, मैं गुरलाल सिंह बरोला, ब्यूरो पंजाब, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल वालों सारिया नू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति तो इलावा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे प्रकाश दिवस दियां सब नू बहुत बहुत मुबारक दिंदा हां। ते नाल ही मैं गल करदा हां फास्ट न्यूज इंडिया चैनल दी, इस दे सबसक्राइबर बनो, नवीं ताजा खबरां सुनो, फ्री विच गिफ्ट तो इलावा इंश्योरेंस भी पाओ, और इस पूरे पंजाब विच इस दे रिपोर्टर ब्यूरो बनो।
ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। विराम के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय। जी हां, प्रयागराज के मऊ आईमा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरिया सारीपुर गांव अनारकली को प्रधानमंत्री आवास मिला है। उसी आवास को लेकर अशोक मिश्रा व उनके परिवार के लोग घर में घुसकर मारपीट व अभद्रता किए और घर में आग लगा दी, लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। प्रयागराज से हमारी संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम उपासी है। क्या मामला है? समस्या क्या है? समस्या यह है सर कि हमारे जो इस तरफ मतलब मकान मेरा जला दिया गया, आबादी की ज़मीन है जिसका नंबर 728 है, और पूर्वज के ज़माना सब मेरा उस पर मकान भी बना हुआ है जो कि हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिस पे हम लोग अपने पूर्वज के ज़माने से मकान उस पर जो बना था उसको हम लोग आधा गिराए हैं, आधा भी खड़ा है। तो हम लोग वही निर्माण कर रहे थे तो ये लोग वहाँ से आए, पहले हम लोगों को मिस्त्री जो थे उनको गाड़ी घुमा दिए, हम लोगों को मारा। उसके बाद सर हम लोग थाने पे गए, वहाँ भी मतलब रिपोर्ट किए और SDM के भी यहाँ अप्लीकेशन दिए थे, और जिसके मतलब तहत मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सब ये आए दिन हम लोगों को मारते पीटते हैं, हम उसका वीडियो भी मेरे पास है जिसकी सूचना मैं कई बार थाने में 100 नंबर को भी दिए हैं जो मौके पर आकर देखे भी हैं। और हम लोग जब वहाँ जाते हैं थाने पर तो BJP के नेता लोग हैं वहाँ पर, हम लोगों को गालियाँ दिलाते हैं उल्टा सीधा। हम लोग 2017 से सर परेशान हैं, अब 2017 से हम आए दिन SP के यहाँ भी गए हैं घर परिवार समेत और DM के यहाँ भी धरना दिए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 17 तारीख की घटना हुई थी जो सारी महिलाएं थी घर में, सब महिलाओं को ये लोग मारे थे। उसके बाद वहाँ से मारे थे इस साल के अगले साल। यही 2018 में 17 फरवरी को ये लोग सारी महिलाओं को मारे थे, घर में घुस 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 कर मारे थे। उसके बाद जब वहाँ थाने पे गए, पहली बात तो 100 नंबर को हम फ़ोन किए, 100 नंबर आया। उसके बाद ये लोग 100 नंबर के आने के बाद ये लोग सारे लोग भाग गए थे। मामला क्या है इनका, जो यहाँ घूर लगा है, जहाँ घूर लगा मढ़ाई फूकी हुई है, ये आबादी में ज़मीन है, ये है किसी की बागात में नहीं है। हमारे सामने नाप हुई थी, कानून को आए थे। जब आप ग्राम प्रधान थे तो नाप हुआ था आपके सामने? नहीं, बाद में हुआ था। उसके बाद नाप हुई? लगभग कितना दिन पहले? अरे साल भर हो गया होगा। बस साल भर पहले नाप हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? आबादी पाई गई है। आबादी पाई गई है। अच्छा अच्छा, आबादी जहाँ मतलब इनका मकान, कौन लेखपाल नाप करने आया था कुछ? उसका नाम तो हमको नहीं मालूम है जी। यहाँ कानून को भी आए थे तो वहाँ पर जो है वो आबादी जायज हुई, आबादी नाप करके दिखाया गया जी। और प्रधान जी, ये सच्चाई क्या है आग के विषय में, जो आग वगैरह लगी है इसकी सच्चाई कुछ जानकारी आपको? इसके विषय में हमारा घर दूसरे गांव में है, मैं इसके विषय में यहाँ आग लगी थी, लगाया गया था, अब ये नहीं, मैं मौके पर थे नहीं। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। अशोक मिश्रा ने हम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनारकली है। वो मढ़ही में हम सो रहे थे, खाना बना रहे थे, खा रहे थे, हम बच्चे लेके उसमें रहते थे, और रात की 12 बजे रात की आग लगा के भागे, तो हमने चिल्ला के भागा, कोई ये बोला नहीं, कोई बाला नहीं सर। और रात को जो है वहाँ पर थाने पे फ़ोन करके बोला गया कि वो अपनी आप से आग लगाई है, वो जो है पुलिस लोग आने के लिए 100 नंबर आ रही थी तो SO ने वो 100 नंबर को लौटार दिया। उसके बाद कहा कि वो 5 मिनट के लिए आग लगी है, अपने से लगी है, अपने से बुत भी जाएगी, SO ने कहा। फिर हम लोग सर सुबह गए थे तो हमारे लड़के को, हमको, हमारी सास को बगल की हैं, उनको हमको लोग को अंदर कर लिए थे, कहें साली अभी तुम लोग को बताते हैं जो कर रही हो, सब नाटक बाज कर रही हो। तो SO बोला? SO ने बोला है सिर। इसके बाद आपके लिए धन्यवाद। बाइक और फोर्स मॉडल गाड़ी की हुई टक्कर। जी हां, फरुखाबाद में अमृतपुर के शनि कुमार आयु लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम कोटियापुर
जब अपनी बाइक से काम करके लौट रहे थे तभी सामने फोर्स मॉडल गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे शनि कुमार का दायां हाथ गाड़ी के शीशे में जा घुसा, जिससे शनि के हाथ की उंगलियों में शीशे भारी मात्रा में धस गए। इस घटना को देखकर फोर्स मॉडल गाड़ी चालक स्वगाड़ी लेकर भाग गया। फिलहाल शनि कुमार की चिकित्सा लोहिया अस्पताल में चल रही है। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा से बात करते शनि कुमार। क्या नाम है आपका? उम्र लगभग कितनी होगी? 18। पिताजी का नाम? अनिल कुमार। गांव कौन सा? कोटियापुर। थाना? अमृतपुर। जिला? फरुखाबाद। यह दुर्घटना आपके साथ कैसे हुई? यह ऐसे हुई, मैं ट्रैक्टर के पीछे था और वो जो गाड़ी थी सवारी वाली वो ड्राइवर था पीए, और उसने पहले ट्रैक्टर गन्ने के ट्रैक्टर में टक्कर मारी और फिर मैं पीछे था उसके, फिर मेरे मार टक्कर। आप किस चीज से थे? हैं? आप पैदल थे या कोई वाहन से थे? बाइक से। बाइक से था। और टक्कर जो मारी गया गाड़ी, वह गाड़ी वाले पकड़े गए हैं या भागने में सफल रहे? भागने में सफल है। भागने में सफल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार फास्ट न्यूज इंडिया पर बना रहेगा, लेकिन आप भी बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए इजाजत।